नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है और इसे करने की सही विधि और इसे होने वाले लाभ के बारे में। दोस्तों, यह प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है जो शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। आप चाहें तो दिन में 3 से 4 बार भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं। यह प्राणायाम बहुत ही आसान है और इसे सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। इस प्राणायाम को शांत जगह पर बैठकर करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपको मिल सके। अनुलोम विलोम प्राणायाम मनुष्य के शरीर के वात पित्त और कफ के दोषों को संतुलित रखता है। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम की सही विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप पैरों को मोड़कर बैठ जाएं। आप सुखासन या पद्मासन की मुद्रा धारण कर लें और कुछ देर तक उसी मुद्रा में बैठे रहें। उसके बाद आप अपने दाहिने नाक को अंगूठे की सहायता से बंद कर लें और बाएं नथुने से धीरे धीरे सांस अंदर लें। आप सांस मध्यम गति से धीरे धीरे जितना सांस अंदर ले सकते हैं उतना लें। सांस पूरे तरीके से आपकी छाती में भरने के बाद आप अपने बाएं नथुने को बंद कर लें और फिर धीरे धीरे दाएं नथुने से सांस को छोड़ दें। उसके बाद उसी बाएं नाक से धीरे धीरे लंबी सांस लें और बाएं नाक को बंद करके दाएं नाक से फिर सांस को छोड़ दें। इस प्रक्रिया को आपको 10 से 12 बार दोहराना है और ऐसा आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। चलिए अब इससे होने वाले फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं। इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम मन की चिंता और तनाव को दूर करने में बहुत लाभकारी होता है। यह प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन को दूर करता है। यह दिल की ब्लॉकेज, माइग्रेन, कब्ज, एसिडिटी को दूर करने में बहुत लाभकारी है। अस्थमा के रोगियों के लिए भी अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही लाभकारी साबित हुआ है और इस प्राणायाम को नियमित रूप से करने से आपके दिमाग का आलस खत्म हो जाता है, क्योंकि इस प्राणायाम को करने से आपके मस्तिष्क को पूर्ण ऑक्सीजन मिलती है, जिसके कारण मस्तिष्क अच्छी तरह से कार्य करने लगता है और जिस कारण आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर आप स्थायी लाभ चाहते हैं तो आप इसे नियमित रूप से जरूर करें। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कॉमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।